आपका स्वागत है। सिरोही जिला प्रशासन ने नीम हकीमों के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है और इसी कड़ी में डोडुआ गांव में छापेमारी कर अवैध रूप से बंगाली दवाखाना चला रहे डॉक्टर को पकड़ा और दवाएं जब्त की। गांव के भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाकर इलाज करने वालों की अब खैर नहीं है। सिरोही जिला प्रशासन ने ऐसे झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कालंद्री थाना के डोडुआ गांव में अवैध रूप से चल रहे क्लिनिक का पर्दाफाश किया। ये क्लिनिक राजू बंगाली नाम का एक व्यक्ति चला रहा था। इस दौरान छापेमार दस्ते ने भारी मात्रा में दवाएं भी जब्त की। पिछले दिनों उपखंड क्षेत्र सिरोही में ऐसी शिकायतें मिल रही थी कि हर जगह नीम हकीम अवैध रूप से चिकित्सा व्यवसाय कर रहे हैं और जनता के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं, तो उस संबंध में हमने आज एक ग्राम डोडुआ में कार्रवाई की, जिसमें राजू बंगाली उर्फ टोटन विश्वास नाम से एक व्यक्ति चिकित्सा व्यवसाय कर रहा था। छापेमारी दस्ते का नेतृत्व कर रहे एसडीएम गोपाल परिहार ने बताया कि लंबे समय से प्रशासन को इस बारे में शिकायतें मिल रही थी। उस क्लिनिक के आगे न तो कोई नाम पता लिखा था और अपने प्राइवेट एक मकान में क्लिनिक चला रहा था, जिसमें बकायदा एलोपैथिक दवाओं का जखीरा मिला है और अंदर ऑपरेशन थिएटर नुमा बना के बेड लगा हुआ था, तो निश्चित रूप से अवैध रूप से प्रसव कराने के भी प्रमाण मिले हैं। और पीछे मकान के पिछवाड़े में जो चारा और भूसा पड़ा, उसमें भी दवाओं के कार्टून छुपा के रखे हुए थे, तो वो भी हमने जब्त किए हैं। राजू बंगाली तो पकड़ा गया, लेकिन ऐसे कई नीम हकीम हैं जो बेरोक टोक अपना धंधा कर रहे हैं और लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान।